आरपीएफ ट्रेडमैन भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर फिजिकल के एडमिट कार्ड की ट्रेड टेस्ट के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी जानकारी इसमें क्लियर हो जाएगी आपको कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितने लोग फाइनल मेरिट में आएंगे, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथियों चैनल पर पहली बार है फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सीआरपीएफ भर्ती से रिलेटेड पर्पल के बेट पाने के लिए टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है, उसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने ज्यादा कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो अभी ऐसे ही सेम एज प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इतना फास्ट प्रक्रिया कराई गई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कि अब क्या ही कहा जा सकता है। तो ऐसे ही आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन के मैं बता दूं, इसमें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो फिजिकल भी नहीं था उतना हार्ड, सिर्फ मतलब मेजरमेंट हुआ था, लंबाई हुई थी, वजन चेस्ट नपा था, लेकिन इसमें रनिंग भी हो गई और रनिंग वो भी 5 किलोमीटर की रनिंग। मैं एसएससी जीडी की रनिंग साथियों दिया हूँ, देखा हूँ किस हिसाब से होता है, बहुत कैंडिडेट रनिंग में फेल होते हैं। तो अगर अभी भी आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए क्योंकि आपको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है आपका रिजल्ट आ जाने के बाद। तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी साथियों अगर बात किया जाए कि रिजल्ट कब तक आएगा तो निश्चित ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती प्रक्रिया इस महीने कंप्लीट हो रही है, उसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने से पहले पहले आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड भी जारी होंगे अगले स्टेप के लिए। आप लोग टेस्ट टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस स्टेट की आप तैयारी करें ताकि उसके ऊपर भी टेस्ट टेस्ट के ऊपर भी आपका वीडियो बनाया जा सके। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।